भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी, कुशल जी। सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय परिषद के 393 वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। 7 कम 400 होने जा रहे हैं। तो जो है अज्जू आहूजा जी जुड़ चुकी है चंडीगढ़ से, तो आ जाएं एक बार के अतिरिक्त का पाठ और एक भजन द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन करें। नमस्ते केडी अरोड़ा जी, परवीना जी, नमस्ते सभी को। अज्जू आहूजा जी आ रही है। हाँ जी, आज हमारी विदुषी भाभी श्री नैनपुरजा विवेक जी की धर्मपत्नी चंडीगढ़ से एक बार कैत्रिमत का पाठ एक भजन द्वारा कार्यक्रम को शुरू करेंगी। माता परवीना ठक्कर जी, रविंद्र गुप्ता जी सभी जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत करता हूँ। कुसुम भंडारी जी, नीरेंद्र गांधी जी, आदर्श अग्रवाल जी, जनक अरोड़ा जी, कमलनाथ जी, सभी को अवसर मिलता है ये 7 बजे तक। नीरेंद्र आर्य सुमन जी भी आ जाए बड़े दिन बाद, उनका भी स्वागत है। आइए अज्जू जी, बहुत बहुत स्वागत। आइए महामंत्र गायत्री मंत्र के द्वारा अपने वाणी और हृदय को पवित्र करते हुए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सवित सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरे दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवान हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आर्यजनों को हृदय से वंदन अभिनंदन। एक ईश्वर भक्ति का भजन आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। सुख में रहे या दुख में, जैसा भी हाल होवे, सुख में रहे या दुख में, जैसा भी हाल होवे, चाहे घर में हो गरीबी, चाहे माला माल होवे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। रहते नहीं हमेशा दिने
चार जिंदगी के भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे प्रभु याद रहे। मिटते हैं शोक सारे भगवान की कृपा से, मिटते हैं शोक सारे भगवान की कृपा से, मुश्किल आसान होवे उस देव की कृपा से। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे प्रभु याद रहे। मंजिल है दूर तेरी साथी उसे बना ले, मंजिल है दूर तेरी साथी उसे बना ले। भगवान को तू अपने दिल में पथिक बसा ले। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे प्रभु याद रहे प्रभु याद रहे। तो हम अपने जीवन में जिसने इस संसार में जन्म देकर भेजा उसे कभी भूले ना। प्रातः साय न्यून से न्यून एक घंटा तो अवश्य उसके लिए निकालें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से आभार। बहुत धन्यवाद अजोजा जी, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा शुभारंभ। अब किरण सहगल जैसे प्रातः गुरु का बजाई बार एक मधुर भजन, तो उसके बाद देवधर आर्य सुमन जी प्यार रहेंगे, फिर रेखा गौतम जी। नमस्कार सर, स्वागत है जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जो शे आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली तू, देख के अदला बदली तू, आहे क्यों भरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और पहाड़ों दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, मानव तू परिवर्तन से का ही को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है,
मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, वो ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए, सहे पथिक जो काटे वो ही मंजिल अपनी पाए, भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है, मानव तू परिवर्तन से का एको डरता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से का एको डरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर। अब देवधर आर्य सुमन जी हमारे आर्य समाज में के पुत्री युवा कलाकार, एक मधुर भजन उसके बारे का गौतम जी कह रहे हैं। ओम, सभी को सादर नमस्ते जी। प्रभु याद आए, बहुत याद आए, प्रभु याद आए, बहुत याद आए, सभी जिंदगी के अंधेरे में हमने उजालों के दीपक जब से जलाए, प्रभु याद आए, बहुत याद आए, दिल संभलने लगा, मन संभलने लगा, नेक राहों पे अब ये तो चलने लगा, मेरे इस भवन में खुशी छा गई है, मस्ती में इतना हम मुस्कुराए, प्रभु याद आए, बहुत याद आए, प्रभु याद आए, बहुत याद आए, सजी जिंदगी के अंधेरे में हमने उजालों के दीपक जब से जलाए, प्रभु याद आए, बहुत याद आए, नफरतों के मकान अब तो ढहने लगे, हम सभी से यही बस ये कहने लगे, मोहब्बत की दौलत से आंचल भरा है, बरसने लगी है रब की दुआए, प्रभु याद आए, बहुत याद आए, चाहते मिट गई
जब से दामन मिला पतझड़ों में भी हंसता ससावन मिला तेरे ही सुरिंदर सवेरे सवेरे परिंदों ने नगमे सबको सुनाए प्रभु याद आए बहुत याद आए प्रभु याद आए बहुत याद आए। धन्यवाद सुमन जी का धन्यवाद। बहुत देर बाद जुड़े हैं। एक गीत और सुना दे महेंद्र कपूर की आवाज में कोई सुंदर सा कोई भी सुना दो ध्रुवी नहीं ईश्वर भक्ति आपको देख के आनंद आ गया। महेंद्र कपूर का सुनाओ अपना मनपसंद कोई भी गीत सुना दो। हाँ जी महेंद्र कपूर का कोई भी गीत बढ़िया से सुना दो। महेंद्र कपूर कोई भी सुना दो आप कलाकार हो आप बहुत देर बाद जुड़े हो उधार बाकी हमारा। नहीं मैं फिर एक बार वो जरा उसकी ट्यून सेट कर लूं ना एक किसी को एक करवा लो फिर मैं सुना देता हूं। चलो ठीक है अब रेखा गौतम जी आएंगे एक बार एक गीत फिर प्रवीण ने टक्कर दी। क्या सुमन जी द्वारा जी सबको साधन नमस्ते। नमस्ते जी प्रभु भक्ति का एक भजन सुना। पकड़ लो हाथ दाता नहीं तो डूब जाए पकड़ लो हाथ दाता नहीं तो डूब जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ दाता नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ दाता धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये बारी धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी भजन पापों का भारी है इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ दाता नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ दाता तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं जमाने की तरह देखो इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ दाता नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ दाता डर दे दिल कहे किससे सहारा ना कोई देगा डर दे दिल कहे किससे सहारा ना कोई देगा सुनोगे आप ही दाता और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ दाता नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ दाता फसी है भंवर में नैया प्रभु अब
जाएगी, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। ही वैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, ही वैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, पकड़ लो हाथ है दाता नहीं तो डूब जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ है दाता। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गौतम जी। माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से नरेंद्र सुबंधी तैयार रहे। नमस्ते भाई साहब, मेरा फोन बार बार खराब हो रहा है, लेफ्ट हो जाता है। आवाज आ रही है? हाँ, माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से बोलिए। आवाज आ रही है सभी को? सादर नमस्कार। सच्चा नाम तेरा, तू आम मेरा, सच्चा नाम तेरा, सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक बुझ जाए बाती, हर रंग में तू संग में, चाहे साँझ हो चाहे सवेरा, सच्चा नाम तेरा, मैं तुझ में कोई दूजा न कोई, हाँ जागिया सोई रे, तू एक अपना जीवन सपना, तू एक अपना जीवन सपना, मैंने बिगाड़ा हर काम अपना, तूने संवारा हर काम मेरा, सच्चा नाम तेरा, दुख सुख की धारा तू है किनारा, मन ओंकार अपना, सबका की मैया ओंकार अपना, सगरा जगत है झूठा साथी, टूटे दीपक बुझ जाए बाती, हर रंग में तू संग में, चाहे साँझ हो चाहे सवेरा, सच्चा नाम तेरा, तोड़ के ये मन मंदिर बना दू, हो मन के मंदिर में धाम तेरा, सच्चा नाम तेरा, तू ओम मेरा, सच्चा नाम तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से। अब हमारे निरंतर आर्य सुमन जी आएंगे एक बढ़िया शानदार गीत। 8 तारीख को संगीत संध्या रहेगी, संडे को 5 बजे, कह लो दिल की बात, सभी कुछ भी बोल सकते हैं। आइए सुमन जी, स्वागत। Thank you.
आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा पिया, आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। पिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। आधे छल के नयन, आधे झल के नयन, अभी पलकों में भी है बरसात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा सुर आधा ही शाम ने साधा, रहा राधा का प्यार भी आधा। सुर आधा ही शाम ने साधा, रहा राधा का प्यार भी आधा। नैन आधे खिले, होठ आधे हिले, रही मन में मिलन की वो बात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सुमन जी, आपने ऐसा गीत चुना, मैं देख रहा था कि सभी चेहरे खिल गए और सभी गुनगुना रहे थे, सभी को याद था ये गीत। मुख्य वक्ता का समय हो चुका है, लेकिन मैं उनसे क्षमा चाहते हुए गीत रविंद्र गुप्ता जी से, उसके बाद ऊर्जा जी का उद्बोधन, क्योंकि बहुत सारे बोलने वाले। नमस्ते जी मुर्दला जी, सबको समय मिलेगा। नहीं नहीं, मैं समय नहीं मांग रही हूँ, नमस्ते कर रही हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ। बहुत बढ़िया,
अब रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से गए, तो उसके बाद आज के मुख्य वक्ता का बोधन ओम सप्रा जी भी जुड़ गए, उनका स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति का गीत। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। रविंदर जी माइक खोल लो, बंद हो गया। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं सिर को उठाने के काबिल नहीं। ये माना कि ये माना के दाता हो तुम कुल जहां के, ये माना के दाता हो, हो ये माना के दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, मैं उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुझे तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया। गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। यही मांगता हूँ सर को झुका के, यही मांगता हूँ सर को झुका के, तेरा दीद एक बार जी भर के पालू, सिवा दिल के टुकड़े के ए मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ
मगर जानता हूँ मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र गुप्ता जी हमारे दैनिक सभी को प्रदर्शित करने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कुछ 7-8 भी लेट भी हो गए, तो आज के मुख्य वक्ता देवेंद्र ओझा विवेक जी, पूर्व ड्रग कंट्रोलर हरियाणा गवर्नमेंट हमारे बीच हैं। आप केंद्रीय सदस्य हरियाणा के प्रभारी हैं, पहले केंद्रीय सभा फरीदाबाद के भी प्रधान रहे। एक महात्मा आनंद स्वामी जी की पुस्तक बचपन में पढ़ी थी, डरो, वो बड़ा जबरदस्त है। इन्होंने भी विषय रखा, इसी से आज के मुख्य अतिथि श्री ओम सप्रा जी हैं, प्रधान उत्तरी दिल्ली विश्वविद्यालय, उनका स्वागत करता हूँ। मैं देख रहा हूँ गीतों की श्रृंखला में कुसुम भंडारी जी, उमा मिगलानी जी, रजनी गर्ग जी, रजनी चौक जी, नरेंद्र गांधी जी, विपला जी, कमला जी, सभी वेद भगत जी भी जुड़े हुए हैं, मृदुल अग्रवाल जी भी हैं, कौशल्या अरोड़ा जी, हमारे प्रवीण जी, सभी को समय मिलेगा, धैर्य रखें। आइए ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत। भाई साहब आपने मेरा नाम बोला है अभी वक्ता के बाद। धन्यवाद जी, अब मैं सीधे सीधे प्रारंभ करता हूँ। और विषय जैसा आपने पूर्व में ही इंगित कर दिया कि विषय है धर्म, और ऐसा विषय जो कि एक विरोधाभासी हमें महसूस होता है, महात्मा आनंद स्वामी जी की एक पुस्तक जो कि बहुत चर्चित रही डरो, वह जबरदस्त है। लेकिन मैंने जो विषय आज आपके सुझाव के अनुसार आपसे चर्चा के उपरांत जो चुना वह है डर मत। पहला मैं प्रश्न स्पष्ट कर दूं कि क्या यह दोनों विषय जो महात्मा आनंद स्वामी जी की पुस्तक में डरो वह जबरदस्त है, या आज का विषय डर मत, क्या यह विरोधाभासी दिखाई देने वाले विषय सही मायनों में विरोधाभासी हैं? तो उत्तर निकल करके आता है नहीं, ये दोनों विषय विरोधाभासी नहीं है। जैसे ईश्वर के स्वरूप में हम कई स्वरूप जब आर्य समाज के दूसरे नियम में देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर के स्वरूप में ये दो शब्द या ये दो स्वरूप या ईश्वर के ये दो गुण विरोधाभासी से लगते हैं, लेकिन वह विरोधाभासी होते नहीं है। उदाहरण देकर के स्पष्ट कर दूं, जैसे कहा ईश्वर दयालु है और साथ ही साथ कहा कि वह परम पिता परमेश्वर न्यायकारी है। अब ईश्वर न्यायकारी है और ईश्वर दयालु है, तो क्या दया दिखाते हुए वह पिता परमेश्वर हम सभी पर ऐसी दया करें कि हमें हमारे द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा कर दें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम ऐसा समझने का प्रयास करते हैं तो भूल करते हैं ईश्वर की दया में ही उनकी न्याय व्यवस्था छिपी हुई है, और दोनों शब्द न्याय भी और दया भी एक दूसरे के पूरक हैं। किस प्रकार एक चोर ने चोरी की, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में वह अपने दुष्कर्मों के फलों का दंड भुगतने के लिए गिरफ्तार हुआ और अंततः उसे जेल में डाल दिया गया, तो एक सामान्य मनुष्य सोचेगा कि नहीं, ये तो दया तो नहीं हुई, वह तो न्याय हुआ, लेकिन क्या उस चोर पर दया हुई? अब यहां थोड़ा सा दया के अर्थ को समझने का प्रयास करें। दया हुई, उस चोर पर भी दया हुई, उसे परम पिता परमेश्वर ने एक मौका देते हुए एकांतवास में रहने का, जेल में या जिसे हम सुधार गृह कहते हैं, सुधार गृह में रहने का दंड दिया, ताकि वह अपने दुष्कर्मों पर चिंतन करता हुआ दुष्कर्म को पुनः ना करने का संकल्प ले और उस दंड से ईश्वर की न्याय व्यवस्था
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम को समझते हुए दुष्कर्मों के पथ को छोड़ करके सद्कर्मों के सत्य पथ पर धर्म पथ पर न्याय पथ पर चलने का प्रयास किए। पहली दया तो ईश्वर ने दंड देते हुए चोर पर कर दी और दूसरी दया क्या हुई, उस चोर को जब जेल में डाल दिया गया तो जो उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन था जहां वह चोरी किया करता था उस पूरे के पूरे समाज को चोर के चोर कर्म से चोरी के कर्म से सुरक्षित करते हुए परम पिता परमेश्वर ने उस पूरे समाज पर दया दिखलाई। मैं एक और छोटा सा उदाहरण दूं फिर मूल विषय पर आता हूं। अभी कोरोना महामारी फैली और कोरोना महामारी में हमें कोरोना की वैक्सीन दी गई और वह वैक्सीन लगने के बाद हमें एक क्रोसिन की या पैरास्टामोल की गोली भी खानी पड़ती थी और निश्चित रूप से हमें थोड़ी देर के लिए कुछ बदन में दर्द या एक बुखार भी आता था, लेकिन वह वैक्सीन हमें आगे चल करके कोरोना का इन्फेक्शन ना हो संक्रमण ना हो उससे बचाने का कार्य करती थी। तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हमें हमारे दुष्कर्मों के लिए मिलने वाले दंड में जो छोटे छोटे कष्ट आते हैं दुख आते हैं क्लेश आते हैं वह समझिए कि परम पिता परमेश्वर हमें वैक्सीन दे रहे हैं और आगे के लिए पहला दुष्कर्मों पर ना चलने का सीधा सीधा संदेश हमें हमारा हाथ पकड़ करके झिझोड़ करके बतला रहे हैं। दूसरा हमें ये छोटे छोटे कष्ट जब आते हैं तो हम बड़े संघर्षों के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जैसे सोना भट्टी में तप करके कुंदन बनता है या आभूषण बनता है तो उसका उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार मेरे दुष्कर्मों के कारण मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों के कारण ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में मिलने वाले न्याय के अंतर्गत मिलने वाले दंड में भी मुझ पर दया छिपी है। पहला मैं मार्ग को ठीक करने की प्रेरणा ले रहा हूं, दूसरा मैं स्वयं को आगे आने वाले संघर्षों के लिए तैयार कर रहा हूं, तीसरा मुझे तप करके सोने से कुंदन बन जाना है। तो ये न्याय और दया जैसे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक इसी प्रकार आज का शीर्षक डर मत और डरो वह जबरदस्त है, एक दूसरे के पूरक हैं। किस प्रकार यदि मैं उस एक परम पिता परमेश्वर से सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर से नहीं डरता हूं, उसकी न्याय व्यवस्था से नहीं डरता हूं, तो वह जबरदस्त है। वह तो अपने पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति, वह तो मेरी आत्मा के अंदर ही आत्मा का आत्मा होकर के परमात्मा होकर के अपने सूक्ष्म लेकिन पूर्ण स्वरूप में मेरे ही भीतर विद्यमान मेरे प्रत्येक मन सा मन में पैदा होने वाले विचार को भी जिसे मैंने अभी शब्द से व्यक्त नहीं किया मैंने कार्य रूप नहीं दिया तो भी वह जानता है। मन सा वाचा मैंने मन में आने वाले विचार को अभी मुंह से कहा है तो भी वह जानता है, और कर्मणा यदि वह पाप कर्म मैंने कर दिया है तो भी वह परम पिता परमेश्वर जानता है। और ईश्वर की न्याय व्यवस्था में
मनसा कर्म के लिए भी मन में उत्पन्न होने वाले पाप रूपी विचार के लिए भी दंड का प्रावधान है। और मैंने अभी मन में विचार पैदा हुआ उसको कहा नहीं या कर्म के माध्यम से मूर्त रूप नहीं दिया तब भी मुझे दंड मिलता है। और ये जो दुनिया की संसार की न्यायिक व्यवस्था है ये तो जब तक कर्म हो ना जाए, मैंने मन में सोचा कि इस कार्य को मैं कर दूं, मेरा झगड़ा हो गया किसी से तो मैंने सोचा कि इसको मैं पीटूंगा मैं मारूंगा, अभी मन में विचार है मैंने किया कुछ नहीं, तो सांसारिक न्याय व्यवस्था में अभी तक मैंने कोई गलत कार्य पाप कर्म या दुष्कर्म नहीं किया है। जब तक मैं उसे थप्पड़ नहीं मार देता या पीट नहीं देता तब तक मैंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम के अंतर्गत जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार के कर्मों के लिए मुझे मेरे विचार के लिए भी दंड देती है तो उसमें तो मैं उसके लिए भी दंड का भागी हो जाता हूं। इसीलिए कहा कि ये दोनों डरो वह जबरदस्त है क्योंकि वह मेरे प्रत्येक कार्य को मेरे ही भीतर बैठ करके देख रहा है। मैं दौड़ सकता हूं, दौड़ करके कहीं से कहीं जा सकता हूं, दौड़ करके एक देश से दूसरे देश में जा सकता हूं, मैं अपने देश की न्याय व्यवस्था से बचने का प्रयास कर सकता हूं, लेकिन ईश्वर की न्याय व्यवस्था से बचने का कोई प्रयास मेरा सफल होने वाला नहीं है। मुझे ईश्वरीय न्याय व्यवस्था का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए कहा डरो वह जबरदस्त है और वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार और प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म को दृष्टा के रूप में देखते हुए पूरा पूरा हिसाब रखते हुए उसका दंड या पुरस्कार ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में देना ये ईश्वर के कार्य हैं। और ईश्वर सर्वशक्तिमान है क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था में अपना न्याय करने के लिए किसी अन्य से कोई सहायता नहीं चाहते ना ही लेते। इसीलिए वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है। मैं ईश्वर की न्याय व्यवस्था से कर्म फल सिद्धांत से उसके सर्वव्यापी होने के गुण से उसके सर्वंतर्यामी होने के गुण से कहीं दौड़ नहीं सकता। मैं जहां भी दौड़ करके जाऊंगा वह ईश्वर तो मेरे साथ ही है, मेरे भीतर है, अपने पूर्ण और अति सूक्ष्म स्वरूप में मेरे अंदर ही विराजमान है। मैं दौड़ता दौड़ता थक जाऊंगा तब भी ईश्वर मेरे भीतर धीरे से कहेंगे कहां जाता है, मैं तो तेरे साथ तेरे प्रत्येक कर्म को देख रहा हूं। इसीलिए कहा डरो मत वह जबरदस्त है। लेकिन यदि मैं ईश्वर से डरने लगता हूं, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को मानने लगता हूं, तो अब मैं अपने मूल विषय पर आ जाता हूं कि ईश्वर से डरने वाले को, ईश्वर को जबरदस्त मानने वाले को किसी अन्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं यदि प्रतिदिन प्रातः ईश्वर का स्मरण करते हुए ईश्वर की न्याय व्यवस्था के समक्ष नमस्ते मंत्र बोलते हुए नमन करते हुए ईश्वर के आदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करने का प्रण लेता हूं तो मुझे अपने जीवन में
भौतिक संसार में अन्य किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए कहा आज के विषय में कि हे मनुष्य, तू डर मत, घबरा मत, कांप मत, तेरे भीतर वह पूर्ण और अति सूक्ष्म स्वरूप में तेरा सच्चा मित्र इंद्रस्य युज्य सखा वह परमात्मा तेरी आत्मा का आत्मा हो करके तेरे ही भीतर विराजमान है। तू डरता हुआ, अरे दुनिया से डरता हुआ कहां भाग रहा है? तेरे साथ तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन बस एक बात सुनिश्चित कर लो कि वह तो तेरे साथ है। क्या तू उसके साथ है? क्या तू उसके साथ है? ये सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना है ताकि हम डरे ना, घबराए ना, कांपे ना? ये सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना है? वह ईश्वर तो मेरे निकट है, क्या मैं ईश्वर के निकट हूं? तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वें मंत्र का एक अंश देख ले। तद्दूरे तद्वंति के, वह परम पिता परमेश्वर हमारे अत्यंत निकट, इतनी निकट कि मेरी आंख से मेरी भौं की दूरी अधिक हो सकती है, लेकिन मेरी और मेरे ईश्वर की दूरी उतनी नहीं हो सकती, इतनी निकट। यदि मेरे जीवन में मेरे सबसे अधिक समीप कोई है तो वह मेरा परम पिता परमेश्वर ही मेरे अत्यंत निकट है। लेकिन तद्दूरे तद्वंति के, वह ईश्वर तो हमारे निकट है लेकिन अपनी अज्ञानता, अबोधता, अल्पज्ञता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की कलुषित भावनाओं के कारण और सांसारिक भोगों में लिप्त होने के कारण या 5 विकारों के साथ 5 क्लेशों में लगे रहने के कारण मैं अपने अत्यंत निकट मेरे ही भीतर रहने वाले ईश्वर से बहुत दूर रहता हूं। मेरी और मेरे ईश्वर की ना तो काल की दूरी, मैं कभी भी कहीं भी किसी भी योनि में किसी भी राष्ट्र में जन्म ले लू, वह ईश्वर तो सर्वंतर्यामी होते हुए मेरे भीतर मेरे हर जन्म में मेरे साथ। ना मेरी और मेरे ईश्वर की स्थान की दूरी, वह मेरे अत्यंत निकट क्योंकि मेरी आत्मा का आत्मा मेरे ही भीतर। ना काल की ना स्थान की, तो फिर दूरी कौन सी है? दूरी है मेरी अल्पज्ञता की, मेरी अबोधता की, मेरी अज्ञानता या मेरे अंदर बैठे विकारों की जिनकी मैंने चर्चा की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ या अहंकार आदि आदि। अब इस दूरी को यदि मैं समाप्त कर देता हूं तो निश्चित रूप से, कई बार क्या होता है कि सूर्य उदय हुआ लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं है, तो एक वेद मंत्र आता है ना, उद्वयम तमसस परिस्वा पश्यंत उत्तर। अरे मैं उस कोहरे से ऊपर उठूं और ऊपर उठते हुए मैं उस प्रकाशमान सूर्य को देखूं, ये तो एक भौतिक उदाहरण दिया। इसी प्रकार मैं अंतर यात्रा प्रारंभ करूं, इन क्लेशों के कोहरे को दूर कर दूं, अपने मन से जितने भी पूर्वाग्रह हैं उन्हें झाड़ू मार करके निकाल दूं, जब मैं झाड़ू मार करके अपने भीतर से विकारों को दूर कर देता हूं तो मैं देखता हूं, जैसे ऊपर उठ करके कोहरे से या बादलों से ऊपर उठ करके मैंने देखा, जहाज में जाते समय नीचे बादल हैं, उसके नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य नहीं दिखाई देता था लेकिन जहाज ने उड़ान भरी, बादलों से ऊपर गया, अब सूर्य दिखाई देता है,
ठीक इसी प्रकार अंतर यात्रा करते समय जब इन विकारों के कोहरे को मैंने दूर कर लिया तो जैसे ऊपर उठ करके मुझे सूर्य दिखाई दिए थे, सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया था, मुझे अंतर यात्रा करते समय मुझे ईश्वर के दिग्दर्शन, इसका लाभ क्या होने वाला है? डर मत, में ये कैसे आए वो बतला, बड़ा आनंद आएगा। इसको पकड़ लेंगे ना तो डरना बिल्कुल बंद कर देंगे और डर लगेगा ही नहीं। मेरे जीवन का प्रत्येक कार्य ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप यदि होगा और मैं यदि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही अपने जीवन का प्रत्येक कार्य किया करूंगा तो एक बात तय जान मान लीजिए कि मुझे मेरे जीवन में डर लगना बंद हो जाएगा और मैं कह पाऊंगा कि अब मैंने डरना बंद कर दिया है। अरे मैं डरता हूं तो उस ईश्वर से डरता हूं, अब तो उस ईश्वर से भी नहीं डरता हूं, ये भी मैं कह रहा हूं कि अब तो मैं उस ईश्वर से भी नहीं डरता हूं क्योंकि मैंने स्वयं को उस ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित करते हुए एक संकल्प ले लिया कि मैं अपने जीवन का प्रत्येक कार्य ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करूंगा। जब मैं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन का प्रत्येक कार्य करूंगा तो धर्म की परिभाषा क्या कहती है जी? धर्म की परिभाषा भी तो यही कहती है कि मनुष्य यदि अपने जीवन का प्रत्येक कार्य ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करे, अनुरूप करे, तो समझिए कि वह धर्म का पालन कर रहा है, वह धर्म प्रयज, धर्म के मार्ग पर चल रहा है। और जब मैं ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करूंगा तो एक बात और तय जान मान लीजिए, सभी हम गृहस्थी भी यहाँ बैठे हैं, अपने घर में जब अपनी अर्धांगिनी की हम बात मानते हैं तो अर्धांगिनी भी हमें खीर बना करके या अच्छे व्यंजन बना करके प्रसन्न रखती है। तो ये गृहस्थ में जब हम एक दूसरे को खुश रखते हुए हम अर्धांगिनी की बात मान रहे हैं तो अर्धांगिनी हमारी बात मान रही, तो दोनों सुखी गृहस्थ को चला रहे हैं, दोनों पहिए हैं बराबर चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही विचार के। तो एक बात समझिए, इस बात को थोड़ा व्यापक कर दीजिए, यहाँ पति पत्नी के स्थान पर ईश्वर और भक्त को लगा लीजिए, भगवान और मनुष्य को लगा लीजिए, आत्मा और परमात्मा को लगा लीजिए। जब मैं मनुष्य के रूप में ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करने लगूंगा तो वह सत्य चेतन आनंद स्वरूप परमात्मा मेरी सुख स्वरूप कस्मै देवाय हविषा विधेम का अर्थात वही एकस्मै एक ही का अर्थात वह सुख स्वरूप का अर्थात इसके अतिरिक्त अन्य कौन, वह परम पिता परमेश्वर मेरी प्रत्येक शुभ मनोकामना को पूर्ण क्यों कर नहीं करेंगे। और जब वह ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी मेरी प्रत्येक शुभ मनोकामना को पूर्ण करने लगेंगे तो मुझे डर किस बात का, मैं क्यों डरूंगा, मैं क्यों घबराऊंगा, मैं क्यों कांपूंगा, तो डरना तो बंद हो जाएगा। और एक बात और समझ लीजिए, मैंने पूर्व में भी कहा इंद्रस्य युज्य सखा, वह परमात्मा हम जीवात्माओं का सच्चा मित्र है। और जब मैं वह अपनी ओर से मित्र धर्म का निर्माण कर रहा है, मेरे प्रत्येक कार्य से पूर्व मेरे भीतर बैठा अंतरात्मा की आवाज बन करके मुझे इंगित करता है कि इस कार्य को ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ये तो मैं पाणिनि अष्टाध्यायी के सूक्त के अनुसार स्वतंत्र करता हूँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम करूं ना करूं वह अन्यथा किसी अन्य प्रकार से करूं, मैं स्वतंत्र होने के कारण और स्वतंत्र कर्ता होने के कारण मैं स्वतंत्र कर्ता अपने द्वारा संपादित प्रत्येक कर्म का स्वतंत्र कर्ता होने के कारण उस कर्म के फल का ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में
भोक्ता भी होता हूँ, इसीलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम की न्याय व्यवस्था में मेरे द्वारा संपादित प्रत्येक कर्म जो कि स्वतंत्र कर्ता के रूप में किया गया ईश्वर की न्याय तुला पर तुलता है और मैं उसी के अनुसार पुरस्कार अर्थात अच्छी नियति किस्मत या प्रारब्ध या अपनी समस्त शुभ मनोकामनाओं की पूर्ति को पाता हूँ या दुष्कर्म करता हूँ तो मैं दंड को पाया करता हूँ और यदि मैं दुष्कर्म नहीं करूंगा और ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करूंगा तो निश्चित रूप से डर मत, मैं किससे डरूंगा, मुझे डर लगेगा ही क्यों, ईश्वर के अतिरिक्त और अन्य कोई कहां मुझे अपनी न्याय व्यवस्था में दंड दे सकता है। ये जो भौतिक न्यायालय भी हैं, ये भी ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ही मनुष्यों को दंड दिया करते हैं, लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं, वह तो जबरदस्त है, वह तो जबरदस्त है और उसी की न्याय व्यवस्था में मैं रहता हूं। और जब मैंने ईश्वर को अपना मित्र जान मान लिया तो डर मत, फिर मुझे डरना किस बात का। अरे छोटा सा कोई SHO भी जिस कॉलोनी में हम रहते हैं जहां हमारा थाना लगता है, उस थाने का अगर SHO भी हमें जानता है ना तो मन में एक भाव रहता है, हमारा क्या, ठीक है गाड़ी तेज चलाएंगे, लग लगा गई तो क्या हो गया, SHO तो अपना जानकार है ना, मित्र है ना। अरे एक छोटे से SHO के मित्र होने से मेरे मन में एक अभय का भाव आया। अरे मेरे इलाके के किसी विधायक को मैं जानता हूँ तो मेरे मन में एक अभय का भाव आया, अरे ये SHO ये विधायक ये तो कुछ भी नहीं, अगर मैंने अपने सच्चे मित्र उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी परम पिता परमेश्वर न्यायकर्ता को अपना सच्चा मित्र जान मान लिया तो डर मत, अभय हो जाएगा, फिर तो डर लगेगा नहीं, फिर ना भय होगा ना लज्जा होगी ना शंका होगी। अब ये मैंने 3 शब्द प्रयोग जानबूझ करके किए हैं, कैसे थोड़ा सरलीकरण कर देता हूं आपको और पता चले कि ये डर ना लगना या डर से मुक्त हो जाना या घबराहट या कंपन बंद हो जाना, इसका उपाय क्या। इसका उपाय बड़ा सीधा सीधा है, बहुत सरल है। वह परम पिता परमेश्वर सर्वंतर्यामी होते हुए और मेरा सच्चा मित्र होते हुए मेरे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म के मेरे द्वारा होने वाले संपादन से पूर्व मुझे अवश्य एक प्रेरणा देते हैं कि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में मेरी आज्ञा के अनुसार, यानी ईश्वर की आज्ञा के अनुसार यदि मुझे कार्य करना है तो इसे इस प्रकार से करना है। ये आवाज मेरी अंतरात्मा की आवाज, वह मेरे आत्मा के आत्मा परमात्मा का संदेश होता है, लेकिन मैं अक्सर अपने स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण या क्लेशों और विकारों के कारण, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के कारण अक्सर ईश्वर की भीतर से आने वाली आवाज को सुन करके भी अनसुना कर देता हूं। और यदि मैं इन विकारों को निकाल दूं, ईश्वर की आवाज को सुनने लगूं, भीतर से आ रही आवाज इतनी निकट से है तब भी नहीं सुन रहा हूं, बाहर की दुनिया का शोर सुनता हूं लेकिन भीतर से आने वाले ईश्वर की आवाज को नहीं सुनता हूं, तब तो डरना पड़ेगा। जब मैं भीतर से आती ईश्वर की आवाज को सुनने लगूं और यथावत पालन करने लगूं तो ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करते हुए धर्म प्रयज मैं धर्म का पालन करता हूं, फिर मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, मेरे द्वारा संपादित प्रत्येक कार्य धर्म के अनुकूल होगा, क्योंकि वह सत्य स्वरूप परमेश्वर की सत्य वाणी के अनुरूप है और वैसा करते हुए जब मैं
धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करते हुए कार्य कर रहा हूं तो डर मत, फिर मुझे डर नहीं लगेगा। और जब मुझे डर नहीं लगेगा तब मैं कह पाऊंगा कि हाँ अब मैं करता हूं। डरो वह जबरदस्त है, जब मैं उससे डरने लगा, उसकी आज्ञा का यथावत पालन करने लगा तो भौतिक संसार में अन्य मनुष्यों से मैंने डरना बंद कर दिया है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए जो वेद मंत्र आज मैं लूंगा, शीघ्रता पूर्वक चलूंगा क्योंकि अब लगभग 30 मिनट हो गए हैं, 10 से 15 मिनट मेरे पास शेष हैं, उसमें आज का ये वेद मंत्र जो कि यजुर्वेद के 6 अध्याय का 35वां मंत्र है, जो कहता है डर मत, उसको ले लेता हूं और बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, फिर मैं अपनी वाणी को उसके बाद विराम दूंगा। यजुर्वेद के 6वें अध्याय का 35वां मंत्र। मां भेर्मा संविक्था ऊर्जम धत्स धिष्णे वीडवि सती वीड़िये था मूर्जम दधा थाम पाप मा हतो नह सो महा। अर्थात मां भेहे, मां भेर्मा आया था ना, मां भे मत डर, हे मनुष्य डर मत। मां संविक्था तू क्यों घबराता है, काप मत क्यों कांपता हुआ खड़ा है। ऊर्जम धत्स्वः तू ऊर्जा को धारण कर, यहां पे जा। ये ऊर्जा को मैं कैसे धारण करूंगा, ये ऊर्जा का स्रोत कहाँ है। ऊर्जा का स्रोत मेरे भीतर है, आनंद स्रोत बह रहा। तो आनंद का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत वह सर्वशक्तिमान तो मेरे भीतर है, और मैं अल्प शक्ति होते हुए दुनिया से डरता हुआ अपने भीतर बैठी उस असीम अनंत महाशक्ति सर्वशक्तिमान को भुलाए बैठा हूं, तभी तो डर रहा हूं। अगर मैं ऊर्जम धत्स्वः उस ईश्वर की ऊर्जा को धारण कर लूं, मैं जान लूं कि वह सर्वशक्तिमान मेरे भीतर है और उसकी प्रेरणा के अनुरूप कार्य करता हुआ ऊर्जा को धारण कर लूं तो मां भे मत डर, मां संविक्था घबरा मत कांप मत। और क्या कहा, धिष्णे द्यो और पृथ्वी के समान वीडवी सती वीड़िये थाम अतिशय बल युक्त सद्गुण युक्त होते हुए सुदृढ़ रहे। इसे थोड़ा सा स्पष्ट कर, कहा ना ईश्वर साधार पृथ्वी, अर्थात इस पृथ्वी का आधार भी यदि कोई है तो वह परम पिता परमेश्वर है। मैं बैठा हूं जमीन पर, सोफे पर, सोफा जमीन पर, जमीन जो फर्श बना हुआ है वो पृथ्वी पर, पृथ्वी किस पर टिकी, पृथ्वी किस पर टिकी, तो ये समस्त सृष्टि को धारण करने वाला सर्वव्यापी सबका आधार वह परम पिता परमेश्वर है। यदि मैं उसके समान सुदृढ़ हो जाऊं, अब देखिए फर्श है टूट गया, पृथ्वी से संपर्क टूटते ही इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, टूट फूट हो गई, खत्म हो गया। अगर मैं पहली मंजिल पर बैठा हूं, छत टूट गई तो मैं धड़ाम से नीचे गिरने वाला हूं। ठीक इसी प्रकार उस ईश्वर सर्वाधार परमेश्वर के आधार को छोड़ करके यदि मैं किसी अन्य का आधार या सहारा लेने का प्रयास करता हूं तो ईश्वर के आधार से कट हूं। मैं द्यो और पृथ्वी के समान जो दोनों ईश्वर के आधार पर टिके हैं, मैं भी यदि ईश्वर के आधार पर टिकता हूं तो सुदृढ़ हो जाता हूं, अतिशय बलयुक्त और सद्गुण युक्त होते हुए सुदृढ़ होते हुए ऊर्जम दधाताम ऊर्जा धारण कर पाता हूं और पाप मा हतः मेरे पाप नष्ट हो न सोमह,
सोम सुरक्षित रहे नष्ट ना हो। अब इसको थोड़ा सरलीकरण करके इस मंत्र को कुछ सूक्त वाक्यों में समेट देता हूं, फिर समय समाप्त हो जाएगा। मेरे मन में, मतलब मैं जब मेरे कह रहा हूं तो सभी मनुष्यों के लिए बोलने का प्रयास करता हूं, मेरे मन में भय और चिंता के लक्षण क्या है, कैसे मुझे भी पता लगता है कि अब मुझे भय हो गया, मुझे डर लगने लगा है या चिंता हो रही, जब मेरे अंदर घबराहट आ जाए, कंपन आ जाए, उद्विग्नता आ जाए, रेस्टलेसनेस होने लगे, मेरा मन किसी काम में ना लगे, तो समझिए भय और चिंता के लक्षण आ गए हैं और मैं डरने लगा। अब ये डरने के कारण क्या होते हैं, इस इन लक्षणों के कारण क्या होता है, फिर मैं देखता हूं कि डरने का कारण, इस डरने के इन लक्षणों के कारण जिसमें मैंने कहा कि घबराहट है, कंपन है, उद्विग्नता है, इसके कारण क्या होता है, निष्क्रियता हो जाती है, मैं अकर्मा बन जाता हूं। और अकर्मा को वेद भगवान में कहा अकर्मा दस्यु, जो कर्महीन है वह दस्यु के समान है, क्योंकि वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधन का अपमान कर रहा है, इसलिए मुझे निष्क्रिय नहीं होना है, और निष्क्रिय नहीं होना है तो मुझे भय और चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, और डर के लक्षणों को भी दूर करना है, और सबसे अधिक आवश्यक है लक्षण ही नहीं डर के कारण को दूर करना है, और मैं कारण तक जाऊंगा तभी वाणी को विराम। अशक्तता आ जाती है, मुझे बलहीनता सी महसूस होने लगती है, मुझे लगता है कि मैं इस काम को कर नहीं पाऊंगा, मैं डरने लगता हूं, मैं उस काम को करने का प्रयास करना ही बंद कर देता हूं, ऐसा एक अशक्तता महसूस होती है, मुझे लगता है कि अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा ही नहीं, मैं क्या क्या करूं, क्यों करूं, ये केवल इसीलिए क्योंकि भय और चिंता है, और भय और चिंता डर के कारण उत्पन्न हुई, असंतुलन हो जाता है, मूर्छा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, तनाव आ जाता है, विषाद आ जाता है, ग्लानि होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, सिर दर्द या पीठ दर्द, अनिद्रा के रोग होने लगते हैं, जो अक्सर हमारी आयु में आते आते लोगों को होते हैं, और यही हमारे भय और चिंता के लक्षणों के कारण हमारे अंदर पैदा होते हैं। और भय और लक्षणों, भय और चिंता का कारण क्या है, ये लक्षण और लक्षण के कारण होने वाली बीमारियां तो मैंने बतलाई, अब इस भय और चिंता का कारण क्या है, उसे अगर यदि हम समझ लेते हैं तो बहुत स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हम यदि उदास हैं तो समझिए कि हम अतीत में पूर्व की किसी दुर्घटना के बारे में या किसी बुरी घटना के साथ चिपके हुए हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, उदास हैं तो अतीत में हैं, चिंता कर रहे हैं तो हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं। एक थोड़ा सा डायलॉग फिल्मी था कि हमने एक पैर तो भूतकाल में रखा है, एक पैर भविष्य में रखा है, और हम अपना वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल यही स्थिति है, या तो अतीत के कारण उदास है या भविष्य की चिंता में घुले चले जा रहे हैं और हम अपने वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। तो क्या करना है, डर ना लगे, मुझे अतीत से, इतिहास से सबक लेकर के भविष्य की योजना बनाते हुए वर्तमान में पुरुषार्थ करना है, ताकि मेरा किसी भी प्रकार का उदासी का कारण अतीत की कोई दुर्घटना या मेरी भविष्य की चिंताएं समाप्त हो जाएं, क्योंकि मैं वर्तमान में ईश्वर की आज्ञाओं का यथावत पालन करते हुए पुरुषार्थ कर रहा हूं। और पुरुष हूं ना, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हो जाते हैं, पुरुष हूं ना तो पुरुषार्थ शब्द पुरुष से ही तो बना, पुरुष हूं तभी हूं पुरुष यदि मैं पुरुषार्थ करता हूं, यदि मैं पुरुषार्थ नहीं करता हूं तो एक बात तय जान मान लीजिए, मैं पुरुष कहलाने का अधिकारी भी नहीं। इसीलिए
यदि डर मत कहना है, भय से मुक्त होना है, चिंता से मुक्त होना है, तो मुझे वर्तमान में जीना सीखना होगा, इतिहास से सबक लेना होगा, भविष्य की योजना बन। तो भय का कारण क्या निकल करके आया? मेरा अतीत, मेरा भविष्य की चिंता करना, मेरी अज्ञानता, या मेरी बिगड़ी हुई दिनचर्या, या मेरे द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्म। अब मैं किस प्रकार से भय से मुक्त हो जाऊं और वर्तमान में जी पाऊं? फिर एक वेद मंत्र ले लेता हूं, आप सभी ने सुना होगा। अभयम मित्राद अभयम, अमित्राद अभयम, ज्ञाताद अभयम परोक्षा। अभयम नक्तम अभयम दिवा नह सर्वा आशा मम मित्रम भवन। मैं भय से मुक्त हो जाऊं, हे ईश्वर मुझे अभय कर दो। किससे? मेरे मित्रों से, उनसे भी जो मेरे अमित्र नहीं, जिनके बारे में मैं जानता हूं उनसे भी अभय हो जाऊं, और जो परोक्ष है उनसे भी अभय, ताकि ये सभी दिशाएं मेरी मित्र हो जाए। कैसे हो पाएंगी? उससे पूर्व एक छोटी सी बात इस मंत्र के बारे में बतला दो। क्रम बहुत सुंदर है इस मंत्र के अंदर। क्रम कैसे? पहले कहा है कि मित्रों से अभय हो, फिर कहा दुश्मन से, जो अमित्र है, जो मेरे मित्र नहीं है, उनसे अभय हो जाऊं। पहले मित्र से अभय होने के लिए क्यों कहा? अक्सर मनुष्य के जीवन में यदि धोखा मिलता है, पीठ में छुरा घोंपा जाता है, तो वह मित्र द्वारा साथ चलते हुए ही घोंपा जाता है, क्योंकि हम मित्र की तरफ से ये सोच करके कि ये तो मेरा मित्र है, इससे मुझे क्या संशय करना, और हम धोखा खा जाते हैं। इसीलिए इस वेद मंत्र में ईश्वर से कहा मुझे मेरे मित्रों से अभय कर, फिर कहा अमित्र जो मेरे दुश्मन है उनसे भी मुझे भय मुक्त कर, तो फिर कहा जो ज्ञात है उसके बारे में फिर हम सोचते हैं। कहते हैं ना, डूबते हैं तैराक, जो तैरना जानता है वही तो डूबता है, जो तैरना ही नहीं जानता है वो तो कूदता ही नहीं है। तो ज्ञाता जो मुझे ज्ञात है उससे भी मैं अभय हो जाऊं, कैसे हो पाऊंगा? आइए अब इसको स्पष्ट कर देते हैं, ताकि सर्वा आशा मम मित्रम भवन, तो सभी दिशाएं मेरी मित्र हो जाए और मुझे डर लगना बंद हो जाए। कैसे? ईश्वर मेरे भीतर भी, ईश्वर मेरे बाहर भी, ईश्वर मेरा बिछोना भी, ईश्वर मेरा ओढ़ना भी, मेरे चारों तरफ व्याप्त सृष्टि के कण कण में मैं जहां भी देखूं मुझे मेरा ईश्वर ही दिखाई देता। और जब मुझे मेरा ईश्वर ही मेरे चारों तरफ दिखाई देने लगता है, मैं सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में उस सृष्टिकर्ता को देखने लगता हूं और अपने भीतर भी उस ईश्वर के ही दिग्दर्शन करने लगता हूं, और भीतर से आने वाली प्रेरणा के अनुरूप ही कार्यों को करने लगता हूं, तो मैं ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करने लगता हूं, और वह सर्वशक्तिमान मेरे भीतर भी, मेरे बाहर भी, मेरे आसपास की सभी दिशाओं की प्रत्येक वस्तु में, सृष्टि में विराजमान, मैं कण कण में ईश्वर जब है। यहां एक बात स्पष्ट और कर, है ये कि कण कण में तो ईश्वर है, लेकिन कण कण ईश्वर नहीं है। कंकर कंकर में शंकर है, लेकिन कंकर शंकर नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान में रखें, विषयांतर नहीं करूंगा, फिर वापस आता। जब प्रत्येक दिशा में मुझे मेरे ईश्वर दिखाई देने लगते हैं, और अपने भीतर भी मैं ईश्वर को विराजमान जानता मानता हूं, और अंतर यात्रा करता हुआ ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा को सुनते हुए यथावत पालन करता हूं, तो सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाएं मेरी मित्र हो जाती हैं। और मित्र भी कैसा? जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है,
अब एक बात बताओ, मेरे भीतर भी सर्वशक्तिमान, मेरे बाहर भी कण कण में वह सर्वशक्तिमान, मुझे तो उसने अपनी गोद में उठा करके एक अबोध बालक की तरह सुरक्षित किया हुआ है, तो फिर मैं क्यों नहीं कहूंगा डर मत, मुझे अब डर नहीं लगता। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। एक बच्चा माँ की उंगली पकड़ करके जा रहा था, तो एक मेरे जैसा अनिल जी ने कई बार कहा कि अहूजा जी ये दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ा ली, चलिए बढ़ गई अब रख ली अब आ गई। तो अब मैं मेरे जैसा कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति पीछे जा रहा, तो बच्चा रोने लगा, बच्चा रोने लगा, तो माँ ने उस बच्चे को गोदी में उठा। अब वो माँ की गोदी में है, पीछे की तरफ देख रहा है, वो उस दाढ़ी वाले बाबा जी को मुक्का दिखा, मारूंगा मारूंगा। बाबा जी से रहा नहीं गया, बाबा जी नजदीक गए और माता जी से पूछा कि माता जी मेरी एक उत्कंठा है, प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताएं, ये बच्चा जब पैदल चल रहा था तो मुझे देखकर रोने लगा, और आपकी गोदी में आकर के जब मेरी तरफ पीछे मुंह करके देख करके तो मुझे चिढ़ा करके मुझे मुक्का दिखा रहा है कि मारूंगा, ये कारण क्या है? तो कहने लगी कि बच्चा था, जब छोटा था तो हम इसको डराया करते थे कि बेटा दूध पी ले, नहीं तो बाबा आएंगे उठा करके ले जाएंगे, तो ये दाढ़ी वाले बाबाओं से डरता है, लेकिन जब मैंने उठा लिया तो मेरी गोदी में आते ये सुरक्षित महसूस कर रहा है, जिससे ये डरता है, जिसकी शक्ल देख करके ये घबरा जाता है, रोने लगता है, अब मेरी गोदी में इतना सुरक्षित महसूस कर रहा है कि उसी को मुक्का दिखा रहा है। तो एक बात बताए, मैं ईश्वर भी, मेरे भी ईश्वर मेरे भीतर भी सर्वशक्तिमान, मेरे बाहर भी प्रत्येक दिशा में कण कण में मौजूद है सर्वशक्तिमान, मैं तो उसका अबोध बालक। जब मैं ईश्वर को सर्वशक्तिमान को अपने अंग संग मानने लगूंगा, अपने भीतर और बाहर जानने मानने लगूंगा, अपना ओढ़ना और बिछोना समझने लगूंगा, तो मुझे डरना किस बात का? फिर तो मैं कह सकता हूं ना, डर मत, घबरा मत, कांप मत, उद्विग्नता मत कर, भय मत कर। और एक अंतिम बात कह करके, 45 मिनट का समय अपना पूरा हुआ, एक अंतिम बात कह करके वाणी को विराम देता हूं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व यदि मन में भय, लज्जा और शंका उत्पन्न होने लगे, तो उस कार्य के संपादन से पूर्व पुनः विचार कर लेना, और मनुष्य होने के नाते आपका मननशील होना, चिंतनशील होना, विचारवान होना मनुष्य होने का प्रथम गुण और आवश्यक शर्त है। अपने भीतर से आती ईश्वर की उस प्रेरणा को सुन लेना। जिस कार्य से पूर्व भय, लज्जा और शंका उत्पन्न हो रही है, उसका संपादन मत करना, और जिस कार्य को करने से पूर्व मन में उत्साह का, ऊर्जा का, स्थायित्व का एक संचार हो रहा है, भीतर से एक शक्ति आ रही है, और मैं उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि सामाजिक सर्वहितकारी परोपकार के यज्ञीय कार्य को निष्काम भाव से मैं करने जा रहा हूं, मुझे इसे पूरा करने की शक्ति प्रदान करना, तो तय जान मान लेना, जब मैं प्रत्येक कार्य इस प्रकार का करूंगा तो ये कार्य मेरे जीवन में मेरे बंधन का कारण नहीं बनेंगे, ना कर्म लिप्यते नरे कहाना, वह जब मैं उन कर्मों में लिप्त नहीं होऊंगा तो मेरे बंधन का कारण नहीं बनेंगे, निष्काम भाव से परोपकार के यज्ञीय कार्य, ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करते हुए, अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए मैं निरंतर करता रहूंगा, तो निश्चित रूप से ये डर लगने का भाव मेरे भीतर से समाप्त हो जाएगा, फिर मैं कह पाऊंगा मां भे मत डर, मां संविक्था, मत घबरा मत कांप, ऐसे काम ही क्यों करे जो घबराहट हो या डर हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना, हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र ओझा विवेक जी, बहुत बढ़िया ओजस्वी मार्गदर्शन। गौतम नरेंद्र गांधी जी ने सुझाव कर सुधार किया है कि डरो वो बड़ा जबरदस्त है, वो पुस्तक महात्मा प्रभु आशीष जी के, आनंद स्वामी जी की है। प्रभु मेरे ध्यान से उतर गया था, तो सुधार कर लेते हैं। दूसरा आपने भी कहा था
गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो डिफर के आगरे जो घटों के बल चले। ये भी पूरा कर देता हूँ। अब मैं इससे पहले कि ओम सप्रा जी अपनी बात कहें, श्री वरिंदर ओझा जी प्रधान आर्य समाज गुरुमंडी एक भजन, फिर ओम सप्रा जी बाकी गीत राजनी चुग जी का, राजनी गिरी का, सभी को मौका मिलेगा। आइए वरिंदर जी। हाँ जी, सबको नमस्ते। अनिल जी का धन्यवाद, उन्होंने समय दिया एक गीत स्वामी दयानंद सरस्वती को के एहसानों को याद करते हुए प्रस्तुत है। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी नदा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के दानव की कमर टूटी, पुरनूर हुआ भारत, ऋण कैसे अदा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, आकाश में रोशन है ये शम्स कमर, जब तक दिन रात है ये जब तक ये शम्स सफर, जब तक अफसाने दयानंद के दिल से न जुदा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी नदा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, वीर आर्य मुसाफिर से बलिदान दिए हमको, स्वामी श्रद्धानंद से सेनानी दिए हमको, खून जिन की शहादत के हर गम की दवा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी नदा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे। धन्यवाद। हम भी दयानंद जी के पद चिन्हों पे चलें, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबको नमस्ते। धन्यवाद वीरेंद्र ओझा जी। श्री वीरेंद्र जी तले जी जुड़े हुए हैं, श्री ओम सप्रा जी आगे अपनी बात रखते हैं। वीरेंद्र जी तले जी हैं बद्री लोधी रोड, उनकी मीटिंग जो रोज छोटा था। मैं आ जाऊं अनिल जी। एक मिनट जी, पहले बोला ओम सप्रा जी, आप आ जाओ जी। जनक रोड जी बोल रही है। हाँ जी आओ जी। एक मुझे भी नंबर देना। भाई साहब किसका नाम लिया है? अभी जनक रोड़ा जी का नाम बोलना। अनिल जी नमस्कार, सब भाई बहनों का मेरा नमस्कार। एक ईश्वर भक्ति का भजन
जीवों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। वेदों ने गाया है, ऋषियों ने ध्याया है, सिमरन परमात्मा का हर दिल को भाया है। वेदों ने गाया है, ऋषियों ने ध्याया है, सिमरन परमात्मा का हर दिल को भाया है। नर्तन का चोला पाया, नर्तन का चोला पाया, सुंदर इनाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, प्राणों का प्राण है, वह शक्तिमान है, संकट की घड़ियों में भी रक्षक भगवान है। प्राणों का प्राण है, वह शक्तिमान है, संकट की घड़ियों में भी रक्षक भगवान है। उसकी भक्ति में डूबी, उसकी भक्ति में डूबी, हर सुबह शाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। बादल घनघोर है, मनवा कमजोर है, रास्ता भटकाने वाले लोगों का शोर है। बादल घनघोर है, मनवा कमजोर है, रास्ता भटकाने वाले लोगों का शोर है। ईश्वर का चिंतन मन को देता आराम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। सच्चा दरबार है, सच्ची सरकार है, सुख दुख फल पाने वाला सारा संसार है। सच्चा दरबार है, सच्ची सरकार है, सुख दुख फल पाने वाला सारा संसार है। अच्छे व्यवहार का अच्छा परिणाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। पहले तुम जान लो, उसको पहचान लो, फिर उसकी भक्ति करना जीवन में ठान लो। पहले तुम जान लो, उसको पहचान लो, फिर उसकी भक्ति करना जीवन में ठान लो। ऋषि मुनियों का सबको ये पैगाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। निकले जो राह में, मंजिल की चाह में, गड़बड़ ना होने पाए जिनके उत्साह में। निकले जो राह में, मंजिल की चाह में, गड़बड़ ना होने पाए जिनके उत्साह में। पथिक ना मेहनत उनकी होती नाकाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। धन्यवाद अनिल जी, बहुत 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 धन्यवाद माता चंद्र करोड़ा जी पानीपत से। अब रैदी चौक जी आएंगे एक भजन के लिए। रैदी चौक जी एक भजन सभी को समय मिलेगा।
पहले उनको देख रहा हूँ जिनको एक दिन पहले नहीं मिल पाया सोमवार को। सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर आज का विषय और उद्बोधन। उन्होंने यही बताया कि हमें प्रत्येक कार्य ईश्वर के मार्ग, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार एवं धर्म के मार्ग पर चलकर ही करना चाहिए। इसी भाव को प्रस्तुत करते हुए एक गीत है। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरी पालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरी पालना, कर कर कमाई धर्म की अर्पण तेरे कर डालना, कर कर कमाई धर्म की अर्पण तेरे कर डालना, मानव के नाते से पिता जाऊं कभी जो भूल मैं, मानव के नाते से पिता जाऊं कभी जो भूल मैं, मेरी विनय है आपसे, मेरी विनय है आपसे, बनकर सखा संभालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरी पालना, जितने भी श्रेष्ठ कर्म है श्रद्धा व प्रेम से करूं, जितने भी श्रेष्ठ कर्म है श्रद्धा व प्रेम से करूं, आए अभद्र भाव जो, आए अभद्र भाव जो उनको सदा ही टालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरी पालना, रक्षा मेरी जो तुम करो, रक्षा तेरी में मैं, रक्षा मेरी जो तुम करो, रक्षा तेरी में मैं, अपने गुणों के सांचे में, अपने गुणों के सांचे में जीवन को मेरे ढालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरी पालना, मृत्यु का मुझको भय न हो, मांगू यही वरदान मैं, मृत्यु का मुझको भय न हो, मांगू यही वरदान मैं, मेधा बुद्धि की भिक्षा को, मेधा बुद्धि की भिक्षा को झोली में मेरी डालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरी पालना, कर कर कमाई धर्म की अर्पण तेरे कर डालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरी पालना। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अब रचना वर्मा जी अमृतसर से, उमा बेलानी जी ध्यान माता जी मिलेगा टाइम, अमृतसर वालों का भी एक हो जाए। आइए रचना वर्मा जी अमृतसर से। अमल जी के बाद मैं बोलूं। मेरी आवाज आ रही है? मैं तो एक ही बोलेगा ना, तीन थोड़ी बोलेंगे। सभी को साधन नमस्ते।
मेरा भजन भी ऋषि के ऋषि को समर्पित है। कृष्ण वर्मा जी आवाज नहीं आ रही। कृष्ण वर्मा जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आपने किसका नाम लिया? तो आप बोलो जब तक रचना जी जुड़ती है, आवाज नहीं आ रही। आओ कमला जी, आप बोलो तब तक पहले। हाँ जी, हाँ जी भैया, मैं बोलने लगी हूँ। ओम आगे आ जाओ, बोलो सर। मेरा भजन ऋषि को समर्पित है जी। है ऋषि याद आए जमाना तेरा, है ऋषि याद आए जमाना तेरा, ये वेदों का पढ़ना और पढ़ाना तेरा, है ऋषि याद आए तेरा। अंधेरी रात में कोई भी न साथ में, अंधेरी रात में कोई भी न साथ में, ऋषि था अकेला मेरा वेद से हाथ में, ऐसी वो शिला आना तेरा, है की याद आए जमाना तेरा। हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी, हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी, समझा न लोगों ने बड़ी भूल थी, न छेड़ा खजाने को भी जमाना तेरा, ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऋषि याद आए जमाना तेरा। लगा जब सुधार में काशी हरिद्वार में, फेंक भी दिया था तुझको गंगा की धार में, काम था प्रभु का बचाना तेरा, याद आए जमाना तेरा, याद आए जमाना तेरा। चला छोड़ बस्ती को सदा बुत परस्ती को, चला छोड़ बस्ती को सदा बुत परस्ती को, फूटेपुर में ठुकराया था करोड़ों की हस्ती को, दिल था प्रभु का दीवाना तेरा, है की याद आए जमाना तेरा, है की याद आए जमाना तेरा, ये वेदों का पढ़ना और पढ़ाना तेरा, है याद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सर से रचना जी। महेंद्र जैतली जी हमारे मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करता हूँ। ओम सप्रा जी का भी स्वागत है। कमला हंसी विकासपुरी से एक भजन, उसके बाद महेंद्र जैतली जी आज के मुख्य अतिथि, मंत्री आरिश्मा जोहरबाग लोधी रोड नई दिल्ली। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो माता जी, आप बोलो, उसके बाद जैतली साहब। सभी को सादर नमस्ते। ये एक भजन है, प्रभु ने कैसे कैसे बांधी है, कैसे कैसे किसको बांधा है। कैसे प्रभु तूने काया नाथ बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी,
शक्ति कैसी प्रभु तूने कया नात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े, रजनी प्याने चला चांद दूल्हा बना, साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कया नात बांधी, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, ये बाहर का समा और पतझड़ की जा, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने पक्षी जलचर व जंतु बनाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए, नाग और नागनी, राग और रागनी, साथ स्त्री और पुरुष की जात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कया नात बांधी, कैसी प्रभु तूने कया नात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, तू ही सबका पिता, तू ही मात है, तू समझ में ना आए तो बात है, तेरी क्या बात है, सौ की एक बात है, तूने हर बात में कोई बात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कया नात बांधी, कैसी प्रभु तूने कया नात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, नथा संग है अनंत तेरी माया, जग के कण कण में तू है समाया, जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, अपने दामन में ऐसी करमात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद माता कमला जी और विकासपुरी से। अब आज के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र जेतली जी, महामंत्री आर्य समाज जोरबाग लोधी रोड नई दिल्ली, उनसे प्रार्थना करूंगा अपना आशीर्वाद शुभकामनाएं। जेतली साहब माइक खोल लो, माइक बंद है आपका, आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है, बोलिए, स्वागत है। हाँ जी हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है जी। किसी कारणवश मैं देर से जुड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आर्य जी, आपको मेरी ओर से तथा हमारे आर्य समाज जोरबाग लोधी रोड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्य जी, आप निरंतर लगातार बिना रुके संस्था के काम में लगे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आर्य समाज के कार्यों को लगातार गति देते रहते हैं, इसके लिए तो आप साधुवाद के पात्र हैं। संस्था द्वारा किए जा रहे सभी कार्य की कार्यों की सूचना हमें निरंतर आपके द्वारा मिलती रहती है, और भविष्य में भी हम यही आशा करते हैं कि
पूरी सूचना हमें मिलती रहे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य जी, जोरबाग आर्य समाज की तरफ से जब जो भी सहयोग होगा हम आपका जरूर सहयोग करेंगे, और मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें और निरंतर अपने इस संस्था को आगे से आगे बढ़ाते रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जेटली साहब के भजन सुनाओगे, गीत कोई? नहीं, इस टाइम तो मैं गायत्री मंत्र पढ़ सकता हूँ जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जितने भी कार्यक्रम होते रहेंगे हमारे यहाँ पे, अभी हमने मंडल का भी कार्यक्रम रखने की बात सोच रहे हैं, अंतरंग की मीटिंग हो जाएगी, उसमें ये डिसाइड हो जाएगा कौन सी तारीख होगी, तो उसकी भी विधिवत सूचना आपके पास पहुंचेगी, और हमें पूरी आशा है कि आप जरूर अटेंड करेंगे। जरूर आएंगे जी, जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अभी हमारी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली की सबसे बड़ी जो शमशान घाट है लोधी रोड की, उसकी आप प्रबंधक हैं, आर इस बार जोरबाग लोधी रोड को रन करती है, और जितने भी वीआईपी संस्कार होते हैं लोधी रोड शमशान घाट पे होते हैं, जैसे आर्य समाज का प्रचार होता है। आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई पूरी नई टीम को, चाहे अतुल लोढ़ा जी हो चाहे हरीश धवन जी हो, सभी को बधाई देता हूँ। अब आज के अध्यक्ष श्री ओम सप्रा जी से प्रार्थना करूंगा अपना मार्गदर्शन, प्रधान उत्तर दिल्ली मंडल, फिर एक दो भजन, फिर शांति पाठ, परसों फिर मिलेंगे 5 बजे। आइए ओम सप्रा जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। श्री ओम सप्रा जी, श्री ओम सप्रा जी, चलो जब तक सप्रा जी जुड़ती है, रजनी गर्ग जी हैं तो एक भजन सुनाते हैं। रजनी गर्ग जी हैं, उमा बिगलानी जी हैं, सुनीता अरोड़ा जी हैं। एक भजन मैं बोलूं जी? हाँ बोलो जी, बोलो कुशला जी। भैया मैं भी हूँ। हाँ बोल लेना, आप दोनों बोल लेना, बारी बारी से बोलो। बोल रही हूँ। दाता जी तेरे प्यार दी, दाता जी तेरे प्यार दी, बरसात होंदी रवे एक पल भी ना रुके, दिन रात होंदी रवे एक पल भी ना रुके, दिन रात होंदी रवे। काबिल नहीं सी रहमत दे काबिल बना दिया, काबिल बना दिया, राम विच उड़दी धूल नू चरना नल ला लिया, चरना नल ला लिया। हुण तेरे नाल दाता जी, हुण तेरे नाल दाता जी, मुलाकात होंदी रवे एक पल भी ना रुके, दिन रात होंदी रवे। दाता जी तेरे प्यार दी, बरसात होंदी रवे एक पल भी ना रुके, दिन रात होंदी रवे। सेवा ते भगती दी तुसी दात लुटांदे हो, दात लुटांदे हो, नाम ते सिमरन वाला अमृत भी पिलांदे हो, अमृत भी पिलांदे हो। बस तेरे नाल दाता, बस तेरे नाल दाता, सौगात होंदी रवे एक पल भी ना रुके, दिन रात होंदी रवे। मेरे दाता तेरे प्यार दी, बरसात होंदी रवे एक पल भी ना रुके, दिन रात होंदी रवे। चरना विच तेरे बैठ के तेरा ध्यान मंगदे हां, तेरा ध्यान मंगदे हां, हर स्वास स्वास दाता दीदार मंगदे हां, दीदार मंगदे हां। चरना विच ए अरदास
चरणा विच ए अरदास स्वीकार होंदी रवे एक पल भी ना रुके दिन रात होंदी रवे दाता जी तेरे प्यार दी दाता जी तेरे प्यार दी बरसात होंदी रवे एक पल भी ना रुके दिन रात होंदी रवे गावां तराने नाम दे मस्ती विच जूमा मैं मस्ती विच जूमा मैं देखना ते सोचा होर नू एक तेरे बाजू मैं एक तेरे बाजू मैं हुण तेरे नाल दाता जी हुण तेरे नाल दाता जी हर बात आंदी रवे एक पल भी ना रुके दिन रात आंदी रवे एक पल भी ना रुके दिन रात आंदी रवे दाता जी तेरे प्यार दी दाता जी तेरे प्यार दी बरसात आंदी रवे बरसात आंदी रवे एक पल भी ना रुके दिन रात आंदी रवे एक पल भी ना रुके दिन रात आंदी रवे धन्यवाद अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माता कौशल्या अरोड़ा जी और उमा बिगलानी जी आएंगी फिर कुसुम भंडारी जी आएंगी सभी को सादर नमस्ते प्रभु भक्ति कभी तेरे तर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं प्रीति न करने देते हैं कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं रोक मुझे ये लेते हैं कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं है तू नाथ वरों का दाता तुझसे सब वर पाते हैं ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं छीटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं प्रेम पाश में बंधा आपके गीत प्रेम के गालू मैं गीत प्रेम के गालू मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद उमा बिगलानी जी अब श्री ओम सप्रा जी आज के अध्यक्ष अपने विचार उद्बोधन मार्गदर्शन
है सुनीता अरोड़ा जी और कुसुम भंडारी जी, फिर प्रवीर जी शांति पाठ। आई ओम सप्रा जी स्वागत है। ओम सप्रा जी माइक खोलिए। आप सबको नमस्ते जी। आपका कार्यक्रम बहुत सुंदर आज चल रहा है और विषय भी बहुत सुंदर है, लेकिन इंटरनेट की दिक्कत के कारण मैं आहूजा जी का जो है पूरा उद्बोधन सुन नहीं पाया मैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बात सुंदर कही कि महात्मा आनंद स्वामी जो कहते हैं अपनी पुस्तक का नाम है कि डरो, वो बड़ा जबरदस्त है, और दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि हम डरे नहीं, तो उन्होंने बताया कि वो विरोधाभास नहीं है और बड़ा अच्छा विवेचन किया उन्होंने। इस संदर्भ में आपने अभी महेंद्र भाई श्रीमान महेंद्र जी से सुना जो दोरबा हरी समाज के हैं और काफी अच्छे विचार सुने थे। मैं सिर्फ इतना संकेत करूंगा संभव करते हुए कि हमारे जो वेद मंत्र हैं उसके अंदर शांति प्रकरण में 6 मंत्र आते हैं शिव संकल्प मस्तु, उनका भाव यही है कि रात्रि के समय सोते समय वो 6 मंत्र बोले तो हमारे मन में शिव संकल्प जागृत हो और रात को हमें सपना ना आए, हम डरे नहीं, नींद अच्छी सो सके। और उसी में ही जो शिव संकल्प मस्तु के मंत्र, उसके बाद 2 मंत्र आते हैं मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें ये प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर हम अपने परिचित व्यक्ति से ना डरें और जो हम अपरिचित है उससे भी ना डरें, हम उत्तर दिशा से भी ना डरें, दक्षिण दिशा भी ना डरें, जो हमारे मित्र हैं उनसे भी ना डरें और जो अमित्र हैं उनसे भी ना डरें। बहुत सुंदर उसमें व्याख्या की गई है। अभयम न क्रंत्यंतरिक्ष भयम द्यावा पृथ्वी, यानी जो अंतरिक्ष में उससे भी ना डरें और जो पृथ्वी में उससे भी ना डरें। उभे इमे अभयम पश्चाद अभयम पुरस्ताद उतराद अभयम नो अस्तु अभयम मित्राद अभयम, यानी जो हमारा मित्र है उससे भी हम नहीं डरे और जो अमित्र है उससे भी ना डरे। ज्ञाताद अभयम परोक्षात, यानी जिसको हम जानते हैं उससे भी ना डरे और जिसको हम नहीं जानते उससे भी ना डरे। ये कितनी बड़ी बात कही गई है हमारे वेद मंत्रों में, और ये जो एक संदर्भ है ये एक बहुत बड़ा जो संकल्प है ये है कि हमारा समाज उसमें व्यक्ति परिवार सारे निडर रहे, निडर बिल्कुल डरे मत, वो निडर होकर रहे। यहाँ निडरता का अर्थ उच्छृंखल होना नहीं है। मैं इस संदर्भ में आपको फ्रांस के एक बहुत बड़े राइटर हैं उनका मैं जिक्र करूंगा, उनका नाम है आर माइशल फिशर। उन्होंने एक फियरलेस रिसर्च फाउंडेशन बनाई हुई है कि निर्भय होकर जीने की जो कला है उसको कैसे विकास किया जाए, वो संस्था ये काम करती है, और उनकी जो रिसर्च की है उसका नाम है Do we really want a fearless society? क्या हम सचमुच ऐसा समाज चाहते हैं जो निर्भय हो, जिसमें डर कोई भी ना हो किसी किस्म का। उसके अंदर उन्होंने एक इटालियन के बहुत बड़े जो दार्शनिक है उनका जिक्र किया है उसके अंदर। वो कहते हैं ए हाईली कंट्रोवर्शियल इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसफर, इनका नाम है नेगरी। इन्होंने इस बात पे फियरलेस सोसाइटी, एक निर्भय समाज कैसे बने, इस पर रिसर्च की है। ये एक्सपर्ट थे फिलोसफी ऑफ स्पिनोजा में, एक फिलोसफी है स्पिनोजा में। इसमें ये बताते हैं कि आदमी के अंदर क्या क्या वहम होते हैं, क्या क्या भ्रम होते हैं, या पिछले जन्म के क्या क्या संकल्प होते हैं, या इस जन्म के क्या क्या कार्य होते हैं जो आदमी को जाने अनजाने में डर पैदा कर देते हैं। आप देखिए, आप अच्छे भले बैठे हैं, रात को सोए हुए हैं, अचानक पूरी पूरी बॉडी हिल जाएगी, आप डर जाएंगे, सपना आ जाएगा, या एक बच्चा छोटा सा सोया हुआ अपने सामने वो एकदम हिल जाएगा, डर जाएगा। तो ये जो मन में विकार होते हैं, ये मन में जो पुरानी स्मृतियां जाग जाती हैं, इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। वी हैव इन आवर हैंड्स द प्रॉमिस ऑफ ए फियरलेस सोसाइटी, दिस इज व्हाट स्पिनोजा सेड एंड व्हाट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय फेमिनिस्ट वर्कर्स स्टूडेंट्स एंड ऑल दोज हु होप्ड एंड विश्ड आउट समथिंग वुड चेंज इन द नेक्स्ट टाइम इन फ्रांस मेजर यूनिवर्सिटीज एंड लेटर इन मेनी अदर वेस्टर्न कंट्रीज। इनकी रिसर्च जो है सारी वेस्टर्न कंट्रीज पर थी और फ्रांस पर बेस्ड थी। तो इन सबसे बचने का एकमात्र उपाय है कि हम अपने आप को यज और योग इनसे जोड़ के चलें। यज और योग क्या होते हैं, हमारे मन को शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हमारी जो तंद्राएं हैं उनको एकदम अपने नियंत्रण में रखते हैं, और हमारा जो मन का विकास होगा, मन का विकास होने से जो वायु है वो हमारे लिए प्राण वायु बन जाएगी और हम निडर होकर रहेंगे, निर्भय होकर रहेंगे, और जितना भी कम से कम हम डरेंगे। तो डर तो देखो है हमारे, एक जो और भी कहा गया है कि आहार निद्रा भय चे मैथुनम सामान्य मित पशु बिर नाम, यानी जो 4 चीजें हैं, जो आहार निद्रा भय
और संतान पैदा करना, इसमें भय का नाम भी है तीसरे नंबर पर। ये मनुष्य और जानवरों में समान है, दोनों में बराबर है। क्या फर्क है दोनों में, मनुष्य और जानवर में? बुद्धि का, विवेक का फर्क है बस। इसका मतलब फियर जो है, जो भय है, वो एक बहुत ही आवश्यक तंतु है, आवश्यक एलिमेंट है, और वो शुरू से रहा है, जब से जगत बना है। उपाय क्या है कि हम उसका निराकरण करें और पहले से ही हम बच करें ताकि वो हमारे पे हावी ना हो। और ये सब कैसे होगा? यज्ञ और योग से। जैसे लोग ध्यान करते हैं, या लोग कीर्तन करते हैं, या लोग संध्या करते हैं। जैसे आम लोगों में शिकायत है, हमारा संध्या में मन नहीं लगता, कैसे लगेगा? क्योंकि हम संध्या के समय दुनिया की चीजों के बारे में सोचते हैं कि आज मुझे ऑफिस जाना है, आज मुझे फला काम करना है, या मैंने आज नाश्ते में ये बनाना है। वो कहते हैं स्वामी दयानंद कि सम ध्यान, यहाँ आपकी सारी वृत्तियां केंद्रित हो जाएं। तो हम जब संध्या करेंगे, मन लगा के करेंगे, सच्चे अर्थों में करेंगे, तो वो कैसे होगा? हम मंत्रों की जो अर्थ है उन पर व्याख्या करें, मन ही मन उन पर विचार करें, चिंतन करें, तो उस संध्या से क्या पैदा होगा? यज्ञ और योग का समन्वय। तो हम फिर निर्भय रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मन से भी, तन से भी और शरीर से भी। ये मेरी आपको जो है एक प्रकार का संदेश है कि हमारे वेदों में तो बहुत पहले से है चीजें, जिसको आप फ्रांस में, अमेरिका में रिसर्च कर रहे हैं। तो कभी मौका लगा इस पे मैं विस्तार से बताऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम सप्रा जी। अब श्रीमती सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से, उसके बाद कुसुम भंडारी जी, फिर शांति पाठ, बाकी भजनों का टाइम जो रह जाएंगे परसों मिलेगा, शुक्रवार शाम 5 बजे। आइए सुनीता अरोड़ा जी। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते, समस्त विद्वत जनों को नमस्ते। मैं छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। मिठी लग दी वेदां दी वाणी, मिठी लग दी वेदां दी वाणी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे, मिठी लग दी। उन जन्म जन्म दा होवे, ताही दर्श प्रभु दा होवे, हो जी हो। उन जन्म जन्म दा होवे, ताही दर्श प्रभु दा हो, के मुक जांदी भुख जगदी, के मुक जांदी भुख जगदी, मिठी लगदी। जिन्नू ज्ञान अंदर दा होवे, ओनू डर ना मौत दा आवे, हो जी हो। जिन्नू ज्ञान अंदर दा होवे, ओनू डर ना मौत दा आवे, के मुक्ति दा राह दसदी, के मुक्ति दा राह दसदी, मिठी लगदी। मुक जांदियां 84 दियां वाटां, बुझ जांदियां पाप दियां लाटां, हो जी हो। मुक जांदियां 84 दियां वाटां, बुझ जांदियां पाप दियां लाटां, आनंद वाली गंगा वगदी, आनंद वाली गंगा वगदी, मिठी लगदी। पढ़ पढ़ सुन के वेदां दी बाणी, लखां तर गए जगत दे प्राणी, हो जी हो। पढ़ सुन के वेदां दी वाणी, लखां तर गए जगत दे प्राण, के सच्ची मुची सौ रब दी, के सच्ची मुची सौ रब दी, मिठी लगदी। मिठी लगदी वेदां दी वाणी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे, मिठी लगदी। धन्यवाद जी भाई साहब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता अरोड़ा जी। आज का अंतिम भजन कुसुम भंडारी जी, फिर प्रवीत जी द्वारा शांति पाठ, परसों फिर मिलेंगे 5 बजे।
वैसे तो बहुत समय हो गया, समय तो काफी हो गया। हाँ अनिल जी सुनाओ। चलो मैं दो लाइनें सुना देती हूँ। फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद द्वारा सारी दुनिया में, देव दयानंद द्वारा सारी दुनिया में, सच्चे शिव के दर्शन करने योगी बनकर लगा विचरने, शिव शंभु का प्यारा सारी दुनिया में, शिव शंभु का प्यारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, वीतराग सच्चा सन्यासी, वीतराग सच्चा सन्यासी, पूर्ण योगी योग अभ्यासी, ब्रह्मचर्या को धारा सारी दुनिया में, ब्रह्मचर्या को धारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, जंगल पर्वत नदियां नाले लंबे रास्ते तय कर डाले, देखा अजब नजारा सारी दुनिया में, देखा अजब नजारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, घर घर वैदिक नाद बजाए, घर घर वैदिक नाद बजाने, झूठ कपट की जड़ें हिलाने, सौंपा जीवन सारा सारी दुनिया में, सौंपा जीवन सारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, वैदिक धर्म विरोधी दल को, वैदिक धर्म विरोधी दल को, विद्वानों के बौद्धिक बल को, हिम्मत से ललकारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबने ही ताकत अजमाई, पथिक कभी ना हारा सारी दुनिया में, पथिक कभी ना हारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, फैल गया टंकारा सारी दुनिया में, देव दयानंद द्वारा सारी दुनिया में, शशत नमन मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बजे से 7:15 बजती है, पता ही नहीं चलता, फिर भी लोग रह जाते हैं। हरीश अरोड़ा जी को भी देख रहा हूँ, गुरुदेव अग्रवाल जी भी देख रहा हूँ। अब अतिक्रम ज्यादा ना हो, प्रवीण जी से प्रार्थना करूंगा शांति पाठ कराएं। गुरुदेव अग्रवाल जी परसों आपने तो अटल कर रहे, 5 बजे गायत्री मंत्र आप बोलोगे। बहुत सुंदर आयोजन आज का रहा और बहुत ही सुंदर भजन और उद्बोधन विभिन्न गायकों के गायिकाओं के सुनने को मिले। सभी का हृदय की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ संपन्न। ओम देव शांति रंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति ही वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परसों 5 बजे फिर मिलते हैं नए विषय के साथ और 8 तारीख संडे को स्पेशल कार्यक्रम कह लो दिल की बात आओ कुछ गुनगुनाए, ये संगीत का कार्यक्रम रहेगा 8 मई को 5 बजे। धन्यवाद जी, आप परसों मिलते हैं शुक्रवार को। भाई साहब उसका पूछना था 10 तारीख को जो जाना है देहरादून, तो वो 13 को जा रही है बस, 35 सीटें होंगी, 8-10 सीटें खाली है, अभी चेक करूंगा
हो सकता है व्हाट्सएप आ गया हो, नहीं तो फुल हो गई। अभी तो 3 सीटें, 8-10 सीटें थी, अभी देखूंगा पेटीएम आ गया तो लोगों के। पेटीएम कब तक भेजना है? जो भेज देगा बुक हो जाएगी, अभी देखूंगा चेक करूंगा 1 घंटे तक। तो 13 से कब है? 15 दो दिन का, 13 तारीख रात को 10 बजे जाएगी बस सवेरे हरिद्वार। अनिल जी राजश्री को भी पूछ रहे ना, वो भी पूछ रही थी बस का क्या किराया। बात होगी मेरी, पैसे वापस कब आएंगे? सुन लो ना, 13 तारीख रात को जाएंगे, 14 को सवेरे 6 बजे व्यास आश्रम हरिद्वार, वहाँ 2 घंटे कमर सीधी करोगे, फ्रेश होगे, चाय पियोगे, फिर हर की पौड़ी पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आप नहा धोलोगे, 1 बजे वहां से चलोगे, 4 बजे तक आ जाओगे, तब वो देहरादून। रात को भजन संध्या 7 से 10, संडे को समापन है, यज्ञ की पूर्ण होती है, लंगर अच्छा। के बाद 2 बजे चलेंगे रात 10 बजे दिल्ली, 14-15 दो दिन का कार्यक्रम है, 13 रात को जाना है, 15 रात को आना है, एक बस एसी वाली। रुकने का कमरा मिलेगा? रुकने का कमरे तो 10 तारीख जाएगा, जो कब्जा कर लेगा कर लेगा, स्कूल के 4 कमरे मिलेंगे। मृदुला जी मैं भी जा रहा हूँ पत्नी के साथ। अच्छा चल रही हूँ भाई साहब, डॉक्टर साहब कह रही थी सुमन डॉक्टर चलने को कह रही है, इंतजाम चले ले चले उन्हें डॉक्टर सुमन। हमें 4 कमरे स्कूल के मिलते हैं, दरिया बिछी होती है, 1 चादर ओढ़ने की, 1 बिछाने की, आप ले जाओ, 1 रात है, कहीं भी घट जाएगी पेड़ के नीचे यशशाला पे हाल में। अच्छा हमारी अग्रवाल जी अब पहुंचो 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 15 के बाद सारे कमरे खाली रहेंगे। तो मेरी भाई साहब कल बता देंगे, 2 सीट कर देना, एक डॉक्टर जा रही है मेरे साथ। अभी बता दो 1/2 घंटे में, जिसके अच्छा। पहले पैसे आ जाएंगे वो कन्फर्म को। 35 सीटें हो चुकी थी, अभी हो अच्छा। सकता है पेटीएम में 45 पूरी भी हो गई हो। तो आप बता दो लिख देना मैसेज पूरी हो गई हो या नहीं हुई। मैं अभी 1 घंटे तक थोड़ा ब्रेक ले लूं 1/2 घंटा। अच्छा ठीक है, चेक करता हूँ। तो आना कहाँ होगा? गाजियाबाद। मैं बता दूंगा सारा 1 घंटे तक। अरे नगर। अच्छा अच्छा, राजश्री भी जाना चाह रही है, राजश्री भी कह रही हूँ मैं, वो भी चाह रही, पता नहीं अब वो कह रही है। कालका जी से आती है ना, वो भी आज मेरे को फोन आया था उसका, रोडी से चलेगी। आप बता दीजिए भाई साहब प्लीज, बस का रूट सुन लो, रिठाला मेट्रो स्टेशन रोडी से चलेगी। अच्छा। फिर उसके बाद मधुबन चौक आएगी रोडी चौक पे, फिर वजीरपुर डिपो, आजादपुर, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, शादरा श्यामला कॉलेज, फिर 1 पॉइंट गाजियाबाद का होकर सीधे हरिद्वार। ठीक है, मैं प्रवीण भाई साहब के आ जाऊंगी। प्रवीण ठीक है जी, ठीक है चलो फिर मिलेंगे वहीं पर, देहरादून मिलेंगे।